अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जो बनाने जा रहे हैं आलू और भिंडी। इसके लिए देखें, आलू मैंने फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लिए, ये फ्रेंच फ्राइज की तरह, और ये देखिए भिंडियाँ लंबी लंबी, सिर्फ इसके हेड एंड टेल काट दिया। अब यहाँ है मेरे पास तेल, ठीक है, ये देखें, बस तेल है, सॉरी एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इस तेल में मैंने डालना है, थोड़ा सा तेल गरम है, दूर से डालूंगी, ठीक है। ये हमने फ्रेंच फ्राइज डालिए सारे तेल के अंदर, ये देखें, ये सब फ्रेंच फ्राइज मैं फ्राई करके निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ भिंडी फ्राई। ये देखिए हम आलू फ्राई कर रहे हैं, सारे आलू उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, चना वाया, ये हो गया। अब जब ये फ्राई हो जाता है, लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, गल जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद भिंडी। ये फ्राइज हो गए, अब हम इनको निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको हटा दिया, अब इसमें डालेंगे हम भिंडी, ठीक है। वो आलू देखिए फ्राई हुए हुए रखे हैं, और ये डालेंगे इसमें भिंडी, और अब इसको भी फ्राई कर लेंगे, फ्राई हो जाती है तो मैं, ये देखें भिंडी भी हो गई, दोनों फुली डन, ठीक है, ये भिंडी भी निकाल दी। अब इसके बाद इस तेल को बिल्कुल खाली कर लेंगे, ठीक है, ये तेल खाली करेंगे। खाली करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। चलिए मैं इसको खाली करती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए देखें, पैन मैंने बिल्कुल खाली कर लिया, ठीक है। इस पैन में हम डालेंगे तकरीबन दो टमाटर के बराबर, हमने लिए तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे सिरका दो चम्मच के करीब, एक चम्मच डालेंगे नमक, और दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जस्ट टू गिव रेड कलर। आज करेंगे बिल्कुल धीमी, ठीक है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि टमाटर पिघल जाए, ठीक है। तेल इसमें कोई नहीं है, याद रहे तेल वही होगा जो भिंडी और आलू में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको चला लिया, क्या क्या डाला हमने, टमाटर, दो टमाटर का बॉईल करके पीस के वो पड़ा, उसके साथ पड़ा सिरका दो चम्मच मिर्चे और एक चम्मच नमक, टोटल यही पड़ेगा इसके अंदर। इसको ज़रा सा टमाटर पिघल जाए, फिर हम ये देखें टमाटर इसमें पिघल गया। अब ये सारा आलू भिंडी इसमें डाल के ये देखिए, और इसको हम चला देंगे, देखिए मिक्स किया सारा, आँच तेज करेंगे, मिक्स करेंगे, और दिस इज़ डन। बहुत मज़े की बनती है, आप चाहें तो दो चम्मच केचप भी डाल सकते हैं, अगर आपके घर में थोड़ा सा मिठास खाई जाती है तो आप इसमें दो चम्मच केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये आलू भिंडी तैयार हो गई है, एज अ साइड डिश, एज अ फुल डिश, जिस तरह चाहे उस तरह खाइए। थोड़ा सा एक तेज़ आँच पर इसको पकाएँगे, 5 मिनट अगर चाहें तो दम दे दें, नहीं चाहें तो नहीं दीजिए।
ये आलू भिंडी हो गई है तैयार। खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।